और कैसे हैं आप लोग? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेस्ट होंगे। आई एम राज एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश सीखो। ठीक है, वीडियो को स्पीक मत कीजिए, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, स्किप करने से आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि किस तरह से आप एक मॉडर्न इंग्लिश सीख सकते हैं और एक मॉडर्न इंग्लिश को बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ कुछ आपको वर्ड, जिससे समझ में आएगा कि कुछ पुराने इंग्लिश को भूल करके आप एक कुछ न्यू इंग्लिश को आप जो है ना सीखेंगे, न्यू इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा वो न्यू इंग्लिश होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देखिए, जो वर्ड आया हुआ है वो है हाउ आर यू, फर्स्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि हाउ आर यू, तो देखिए हाउ आर यू क्या है ना कि बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक, देन आप क्या करो, इसको भूल जाओ। ठीक है, एकदम बिल्कुल ही भूल जाइए आप, और इसके बदले में आप क्या करो ना, कुछ नए वर्ड्स का यूज करो। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्या है कि फर्स्ट वाला यूज कीजिए अब, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलेंगे आप, हाउ इज इट गोइंग, तो हाउ आर यू की जगह में आप बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग मैन, हाउ इज इट गोइंग। ठीक है, मतलब कि जो हाउ आर यू का मतलब होता है, सेम इसका वही मतलब होता है। ठीक है, कैसे हो आप लोग, कैसे सब सब कैसा चल रहा है। नेक्स्ट आता है जैसे हाउ हैव यू बीन। ठीक है, सेकेंड नंबर यूज कर सकते हो आप हाउ हैव यू बीन। ठीक है, सेकेंड यूज कर सकते हैं हाउ हैव यू बीन। ठीक है, मीन्स आप कैसे हो, है ना, हर चीज किस तरह का है। ठीक है, वो सब यूज कर सकते हैं। सेकेंड आ रहा है जैसे आपका एक आई एम फाइन, है ना, पता नहीं आई एम फाइन तो मैं बचपन सुनते आ रहा हूँ। ठीक है, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट आप क्या करो, इसको कट कर दो, आप इसको यूज मत करो। ठीक है, इसके जगह में आप एक नया वर्ड इस्तेमाल करो, जैसे हम बोलेंगे आई एम डूइंग वेल, फर्स्ट क्या आएगा, आई एम डूइंग वेल। ठीक है, मीन्स मैं बहुत बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं बहुत बेटर कर रहा हूँ, मैं बहुत बेटर हूँ, है ना। या फिर आप नेक्स्ट वाला यूज कर सकते हैं आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक है, तो ये भी यूज हो जाएगा उसकी प्लेस में, है ना, आई एम डूइंग वेल या फिर आई एम गुड, तो ये आई एम फाइन के बदले में ये दोनों वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड नंबर में जो आता है वो वर्ड है ओके। ठीक है, ओके, अरे भाई क्या आपको पता है कि ओके का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्शन किल्ड, मतलब उसके बीच में कोई ना आए। ठीक है, तो ओके के जगह में आप यूज कर सकते हो ओके को कर दो कैंसिल। अब एक नया वर्ड सीखो, जैसे कि हम बोल सकते हैं आई आई, है ना, तो ओके के जगह में क्या बोल सकते हैं, आई आई। ठीक है, क्या नया वर्ड आ गया, आया है। हाँ बिल्कुल, नेवी में जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना, तो वो ऑफिसर्स आई आई यूज करते हैं, ओके जगह में आई आई बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है साउंड्स गुड, साउंड्स गुड। ठीक है, मींस ओके के जगह में आप बोल सकते हैं आई आई या फिर साउंड्स गुड। ओके, अब नेक्स्ट में देखेंगे फोर नंबर में, कि फोर नंबर में मेरा क्या आ रहा है, हम फोर नंबर में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए फोर नंबर में डिस्कस कर लेते हैं। फोर नंबर में है हमारा वेरी नाइस। ठीक है, तो वेरी नाइस क्या है, वेरी नाइस बहुत पुराना हो चुका है, वेरी नाइस, दिस इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, देन आई विल कट इट, ओके दिस इज क्रॉस। अब क्या करना है आपको, वेरी नाइस यूज नहीं करना है, बल्कि वेरी नाइस की जगह पे आपको यूज करना है एब्सोल्यूटली लवली। फर्स्ट में आता है क्या, एब्सोल्यूटली लवली, है ना, एब्सोल्यूटली लवली। ठीक है, और सेकेंड आता है, सेकेंड को आप देख लीजिए, सेकेंड में है आपका इनक्रेडिबल, है ना, इनक्रेडिबल। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे है, फिफ्थ नंबर पे देखिए, फिफ्थ नंबर पे है आई थिंक, तो आई थिंक तो ये बहुत पुराना हो चुका है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी ओल्ड, सो आप यूज करेंगे कुछ नया वाला बेटर चीज को। ठीक है, तो फिर इसको कर दीजिए कट, और चलिए नेक्स्ट वाले में हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट में आता है इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल ऑनेस्टी,
इन ऑल ऑनेस्टी, ठीक है। और सेकंड वाले में क्या आता है, तो सेकंड वाले में आप बोल सकते हो आई थिंक की जगह में आप बोल सकते हैं सेकंड में, जैसे इन माई ओपिनियन, क्या बोलेंगे, इन माई ओपिनियन, ठीक है। तो फिर देखो ये आई थिंक की जगह में आप इन ऑल ऑनेस्टी या फिर इन माई ओपिनियन यूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट में आ रहा है जैसे मे। देखिए मे भी बहुत पुराना हो चुका है, हम लोग यूज करते करते बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब इसको कर दीजिए कट, इसका टाइम खत्म हो चुका है। अब मे की जगह में आप यूज कीजिए इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। और सो सेकंड नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे वो आएगा परहैप्स, है ना, परहैप्स। तो फिर ये शायद ये संभव हो सकता है, तो मे का जो मतलब होता है उसका भी मतलब इट कुड बी पॉसिबल और परहैप्स दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो मे की जगह में आप इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, है ना। नेक्स्ट जैसे आता है कि आई नो, सेवन नंबर पे आता है आई नो, आई नो, ठीक है। तो अब आई नो को भी कट कर दीजिए, अब आई नो को यूज नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह में यूज करेंगे इट्स इन माई नॉलेज। आई नो का मतलब क्या था कि मैं जानता हूँ, तो इसके जगह में आप ये भी कर सकते हैं इट्स इन माई नॉलेज, मतलब कि ये मेरे ज्ञान में है, ये मेरे नॉलेज में, मैं इसको जानता हूँ, ठीक है। और सेकंड नंबर यूज कर सकते हैं हम जैसे आई एम अवेयर अबाउट दैट, है ना, आई एम अवेयर अबाउट दैट मीन्स इसके बारे में मुझे ज्ञान पहले से है, मैं इसके बारे में बिल्कुल पता कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह का हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश सीखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ पुराने वर्ड्स को नए वाले वर्ड्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो आपको मॉडर्न इंग्लिश आ जाएगा। वेल हम आप लोगों से बहुत माफी चाहेंगे कि मैं थोड़ा सा रोज वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, एक्चुअली थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से, बड़े मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है और टाइम को मैं आप लोगों के लिए मैं लगाता हूँ टाइम, ठीक है, कुछ वीडियोज़ में बनाता हूँ। तो फिर इस तरह के नए वीडियोज़ में फिर दोबारा लेकर आऊँगा, और तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही बिल्कुल कुछ नए वर्ड्स, कुछ नए तरीके, कुछ नए डिफरेंट टॉपिक के साथ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूँगा, थैंक यू।